हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ PCOS, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें। बाकी स्टूडेंट्स जो मेडिकल के हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी इस तरीके से पढ़ना ईजी हो जाए। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि ये वो डिज़ीज़ है जो आजकल बहुत ही कॉमन हमें फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से कॉज होती है, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो PCOS को कॉज करते हैं, प्लस इसके बाद हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कौन से हार्मोन होते हैं उनके इम्बेलेंस होने से ये डिज़ीज़ कॉज होती है। तो बेसिकली जो PCOS है वो क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है। हार्मोन्स का डिसऑर्डर होने की वजह से क्या होता है, ओवरीज का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब ओवरी का साइज़ कैसे इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो आउटर एजेस होती है ऑफ ओवरीज़ की उस पर क्या होती है, स्मॉल स्मॉल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरीज़ का साइज़ एनलार्ज हो जाता है। और बेसिकली ये क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो एक रिदम में हम समझेंगे कि हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ ओवरीज़, ठीक है, ओवरीज़ का साइज़ एनलार्ज हो जाना, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसकी जो आउटर एजेस होती है उस पर क्या होती है, स्मॉल स्मॉल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही बेसिकली क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। पॉलीसिस्टिक मतलब ढेर सारी होती है सिस्ट, जो कि कहाँ होती है, ओवरी में, ठीक है, क्या होती हैं, बन के वहाँ पे क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या कॉज होता है हमारा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली क्या है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें ये जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा हार्मोनल रोल होता है, ठीक है। हार्मोन के इम्बेलेंस होने से ही ये डिज़ीज़ क्या कॉज होती है, ठीक। तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है, ऑल्सो नोन एज स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम, ठीक है। इसको हम लोग स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। क्या है, स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं किसको, PCOS को, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एटियोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली इसकी जो एटियोलॉजी है वो अनक्लियर है, मतलब कोई ऐसा कॉज नहीं समझ में आता है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसे कॉज करता हो। तो वो क्या है, अनक्लियर है कि कोई भी क्लियर इसकी एटियोलॉजी नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर इसमें फिर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कौन से होते हैं कि सम एनवायरमेंटल फैक्टर, सम जेनेटिक फैक्टर एंड लाइफ स्टाइल। तो जो लाइफ स्टाइल है वो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है इसको कॉज करने में, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि आप जो PCOS है, ठीक है, इसको किस तरीके से डायग्नोस करें, तो उसके बारे में जानेंगे कि कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो PCOS को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCOS की क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो कि PCOS को डायग्नोस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उसमें क्या है, क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCOS, तो उसमें कौन सा होता है हमारा, रोटेनहाम्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो एक रोटेनहाम्स क्राइटेरिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है, PCOS को डायग्नोस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है। तो जो रोटेनहाम्स क्राइटेरिया है इसमें क्या होते हैं, तीन इम्पॉर्टेंट फीचर इंक्लूड होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो PCOS है उसको डायग्नोस करते हैं। तो इसमें जो हमारे तीन फीचर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा ओलिगोमिनोरिया या फिर एमिनोरिया, ठीक है। एमिनोरिया मतलब है कि अब्सेंस ऑफ मेंसेस, ठीक। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ओलिगोमिनोरिया या फिर एमिनोरिया, ठीक। सेकेंड क्या है हमारा, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ठीक। हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब है कि एंड्रोजन जो हार्मोन है उसका अमाउंट बढ़ जाना, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है,
हिर्सुटिज्म कॉज करता है ये, ठीक है, हिर्सुटिज्म कॉज करता है। तो बेसिकली जो पेशेंट आती है क्लिनिक पे, तो वो किस क्या लेकर के आती है, चीफ कंप्लेंट क्या होती है, हिर्सुटिज्म लेकर के आती है। तो ये किसकी वजह से कॉज होता है, एंड्रोजन का क्या हो जाना, हाइपर हो जाना, ठीक। सेकेंड मतलब थर्ड हमारा क्या है, एनलार्ज्ड ओवरीज ऑन USG। जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें क्या होती है, हमें ओवरीज क्या एनलार्ज सीन होती हैं। तो ये क्या होता है, हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कौन सा, एनलार्ज्ड ओवरीज ऑन USG। अल्ट्रासाउंड में हमें एनलार्ज ओवरीज देखने को मिलती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन, ठीक। तो जब हमें अल्ट्रासाउंड में एनलार्ज ओवरीज देखने को मिलती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन, ठीक। तो ये बेसिकली तीन फीचर्स होते हैं जो किस में आते हैं, रोटरडाम्स क्राइटेरिया में। ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं, फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCOS, ठीक। तो क्या है ये तीन, ओलिगोमिनोरिया या एमिनोरिया, हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड एनलार्ज ओवरीज ऑन USG, ठीक। इसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है, 2/3, ठीक है, 2/3 क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड टू डायग्नोज PCOS इन फीमेल। ये तीन क्राइटेरिया हैं, अगर इनमें से दो भी हमें देखने को मिलते हैं तो ये फुलफिल्ड होते हैं कि PCOS फीमेल में डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, 2/3, ठीक है, 2/3 क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड टू डायग्नोज PCOS इन फीमेल। अगर इनमें से हमें दो भी क्राइटेरिया मिल रहे हैं किसी भी फीमेल में, तो उसमें क्या होता है, ये फुलफिल्ड होते हैं PCOS को डायग्नोज करने में इन एनी फीमेल, ठीक। इसके बाद क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन, ठीक है, सर्टेन अदर एसोसिएशन, ठीक है, देयर आर सर्टेन अदर एसोसिएशन बट दे आर नॉट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। कुछ और भी इसमें होते हैं, सर्टेन फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं, हमारे ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक। एक हो गया हमारा ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारे होते हैं ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दोनों हमारे रोटरडाम्स क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देर आर सर्टेन अदर एसोसिएशन बट क्या होते हैं, दे आर नॉट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं होते हैं, ठीक। तो वो कौन से, हमारे ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारा पहला क्या मिलेगा, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जो कि कॉज करता है हिर्सुटिज्म, ठीक है। तो फीमेल हमारे पास जो भी आएगी, जो PCOS की होगी, वो क्या चीफ कंप्लेंट लेके आएगी, हिर्सुटिज्म को लेकर के आएगी, ठीक। सेकेंड हमारा होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, ये कंप्लेन लेके आएगी। थर्ड हमारा है एनओविलेटरी साइकिल, जो कि कॉज करती है इनफर्टिलिटी। तो फीमेल हमारे पास क्या लेकर के आएगी, इनफर्टिलिटी की कंप्लेन लेके आएगी। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ क्या है हमारा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक। फिफ्थ क्या है हमारा, ओबेसिटी, ठीक। सिक्स्थ क्या है हमारा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, वही बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये था हमारा क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन होते हैं जो इंक्रीज होते हैं इन PCOS फीमेल, मतलब उनका लेवल बढ़ जाता है इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फीमेल में, एंड कौन से वो हार्मोन होते हैं जो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिनका अमाउंट कम हो जाता है इन PCOS फीमेल में, ठीक है। कि कोई भी फीमेल है, उसमें PCOS अगर डायग्नोस होता है, तो उसके कौन से हार्मोन होते हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है, एंड कौन से हार्मोन होते हैं जिनका लेवल कम हो जाता है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हार्मोन इंक्रीज इन PCOS फीमेल। तो उन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंक्रीज, मतलब जिनका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, इंक्रीज LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल क्या होता है इन PCOS फीमेल में, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है हमारा इंक्रीज एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक। इंक्रीज ईस्ट्रोजन,
इन सम फीमेल, ठीक है, कुछ ऐसी फीमेल होती हैं, सभी में नहीं, जो कि PCOS की होती हैं, तो उनमें क्या होता है, कभी कभी इंक्रीज हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, मतलब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसका अमाउंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो PCOS फीमेल होती हैं उनमें हमें इंक्रीज देखने को मिलता है लेवल ऑफ LDL, ठीक, लो डेंसिटी लिपिड, ठीक। तो ये था हमारा हार्मोन इंक्रीज इन PCOS फीमेल। एंड अब बात करेंगे हम हार्मोन डिक्रीज इन PCOS फीमेल, जो PCOS फीमेल होती हैं उनमें कौन से हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं जब वो सफ़र कर रही होती हैं PCOS से, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिजीज से, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं हमारे, डिक्रीज FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है उसका लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। थर्ड है हमारा डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है, जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है उसका अमाउंट भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर है हमारा डिक्रीज हाई डेंसिटी लिपिड, ठीक, जो HDL है उसका भी क्या हो जाता है, लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये था हमारा किसके बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, कि ये क्या होता है, इसके इटियोलॉजी के बारे में एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, एंड कौन से हार्मोन डिक्रीज एंड इंक्रीज होते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन की पैथोलॉजी के बारे में, कि कौन कौन से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी इन PCOS। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो इसमें अब हम बात करेंगे कि हार्मोन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी के बारे में इन PCOS फीमेल पेशेंट की, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, PCOS कंडीशन में जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो भी टू मच इंक्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक मैंने फ्लो चार्ट एज अ समझाया है, अगर ये आप लोगों के माइंड में रहता है तो आप लोगों के लिए PCOS को समझना बहुत इजी हो जाएगा, और जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको समझना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। तो क्या होता है इसमें कि हाई लेवल ऑफ LH, ठीक है, वो भी टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्या हो जाता है, LH लेवल जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब LH बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थीका सेल्स को, ठीक है। तो बेसिकली कौन सी, थीका इंटरनल सेल्स, ठीक है, थीका एक्सटर्नल नहीं, थीका सेल्स दो तरीके के होते हैं, एक थीका एक्सटर्नल, एक थीका इंटरनल। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टू मच, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, थीका इंटरनल सेल्स को। जब थीका इंटरनल सेल को स्टिमुलेट करता है तो मेक, मतलब बनाता है ये क्या, इंक्रीज अमाउंट, मतलब टू मच इंक्रीज अमाउंट में क्या, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, वो भी कौन सी, थीका इंटरनल सेल से, ठीक है। तो फिर से समझेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, स्टिमुलेट करता है किसको, थीका इंटरनल सेल को। स्टिमुलेट करने के बाद थीका इंटरनल सेल से क्या बनवाता है, एंड्रोजन्स हार्मोन, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, टू मच अमाउंट में, ठीक है। तो फिर एंड्रोजन जो हार्मोन होता है ये हमारा एक्ट करता है किस पे, पेरिफेरल टिश्यूज़ या फिर एडिपोज टिश्यूज़ पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमारा एंड्रोजन हार्मोन जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया है, यहाँ हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम PCOS पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं। तो उसमें क्या होता है, ये हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज अमाउंट में, वो भी टू मच, मतलब बहुत हाई लेवल होता है LH का। उसके बाद फिर एंड्रोजन हार्मोन भी उससे ज़्यादा लेवल में बनता है, उतने ही लेवल पे, हाई लेवल पे बनता है, टू मच होता है ये भी।
तो यहाँ पे हमारा एंड्रोजन बन गया। एंड्रोजन हार्मोन हमारा होता है, एक्ट करता है पेरिफेरल टिश्यू या फिर एडिपोज टिश्यूज़ पे। ये एडिपोज टिश्यूज़ पे एक्ट करने के बाद यहीं पे क्या होता है, इसी में इनका कन्वर्ट हो जाता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है ये एक्ट करता है एडिपोज टिश्यूज़ पे। एडिपोज टिश्यूज़ पे जब एक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, वो कौन सा होता है, हमारा एरोमेटेज एंजाइम। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन में, ठीक। लेकिन ईस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, टू मच इंक्रीज है, ठीक है। तो इंक्रीज अमाउंट में जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन जो इंक्रीज अमाउंट में पहले से ही है, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन में चेंज हो जाता है, स्पेशली ईस्ट्रोन मतलब E1 हार्मोन, ठीक। तो हम ईस्ट्रोजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कौन सा हमारा ईस्ट्रोन हार्मोन, मतलब कि E1 जो है इन PCOS फीमेल्स में इंक्रीज अमाउंट में एंड्रोजन हार्मोन ईस्ट्रोजन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। एक बार और इसको समझेंगे, इंक्रीज अमाउंट में LH है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत इंक्रीज अमाउंट में है, ठीक। ये हमारा स्टिमुलेट करता है थीका इंटरना सेल को, जब थीका इंटरना सेल स्टिमुलेट होती हैं फिर क्या बनाती हैं, वो एंड्रोजन हार्मोन। फिर एंड्रोजन हार्मोन हमारे एडिपोज टिश्यूज पे काम करता है, एडिपोज टिश्यूज पे काम करने के बाद ये क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में, ईस्ट्रोजन हार्मोन में। लेकिन ये सभी हार्मोन इन PCOS फीमेल में क्या है, इंक्रीज अमाउंट में, इंक्रीज अमाउंट में LH एंड इंक्रीज अमाउंट वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज है एंड्रोजन, एंड इंक्रीज अमाउंट में ही एंड्रोजन हमारा इंक्रीज अमाउंट में ही ईस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो भी स्पेशली E1 हार्मोन ईस्ट्रोन, ठीक, इन PCOS फीमेल। अब जो हमारा टू मच अमाउंट में जो ईस्ट्रोजन होता है ये क्या काम करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसके लिए, फॉर FSH के लिए। तो FSH हमारा जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि LH क्या है, जो हमारा चेंज हुआ है बेसिकली LH से आकर के एंड्रोजन, एंड्रोजन से ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, हमारा नेगेटिव फीडबैक दे देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा FSH डिक्रीज हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो FSH क्या होता है, जब FSH के डिक्रीज होने की वजह से क्या होते हैं, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं बिकम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, फॉलिकल बिकम एटरेटिक, ठीक, फॉलिकल क्या हो जाती है, एटरेटिक हो जाती है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, यही क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मैच्योर हो एंड उनकी ग्रोथ हो सके और उसका डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, कौन, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब हमारा इंक्रीज अमाउंट में ईस्ट्रोजन है इन PCOS फीमेल में, तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक दे देता है, जिसकी वजह से हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रिलीज़ होना होता है वो कितने बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है या फिर बिल्कुल ही लो हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज अमाउंट में क्या होता है, FSH रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल क्या होते हैं, एट्रैक्टिक हो जाते हैं, मतलब फॉलिकल नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, मतलब ना वो ग्रो कर पाते हैं, और जब फॉलिकल ग्रो नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, सो नो ओव्यूलेशन हैपनिंग, ठीक। तो ये बेसिकली था हमारा, यहाँ तक कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाया, तो फीमेल विद PCOS, जो PCOS की फीमेल है, ठीक है, तो वो क्या होता है उनमें, एनओव्यूलेशन मतलब उनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाया, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, बहुत लो अमाउंट में, जिसकी वजह से फॉलिकल्स क्या है, स्टिमुलेट नहीं हो पाते, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फीमेल विद PCOS उसमें क्या है, एनओव्यूलेशन है। तो एनओव्यूलेशन होने की वजह से जब उसका ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, एग उसका रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस या फिर इरेगुलर हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बेसिकली जो हमारी PCOS की फीमेल्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स है, वो जो आती है क्लिनिक पे, तो वो यही बताती आकर के है कि उनका जो मेंसेस है, मेंसुरल साइकिल है, वो डिस्टर्ब है, वो इरेगुलर है, ठीक है। तो क्या होगा, जब एनओव्यूलेशन है, जब यहाँ पे एग नहीं रिलीज होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी उसमें।
ठीक, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने की वजह से कंप्लेन क्या होगी पेशेंट की? इनफर्टिलिटी। ठीक, तो जब ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा इन पीसीओएस फीमेल्स में, इनफर्टिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या कॉज होगा, कंप्लेन क्या होगी, इनफर्टिलिटी। ठीक, क्यों? तो एक बार और इसको हम समझेंगे, LH बहुत इंक्रीज अमाउंट में है, नॉर्मल जो रेंज होती है, नॉर्मल जो इसका अमाउंट होता है उससे भी कई ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में है, किस में, इन PCOS फीमेल्स में जिनके अंदर PCOS कंडीशन है। ठीक है, तो उसमें क्या है, LH इंक्रीज अमाउंट में है, LH की वजह से एंड्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ, एंड्रोजन की वजह से ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसने नेगेटिव फीडबैक दिया, जिसकी वजह से FSH का लो अमाउंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया, फॉलिकल्स नहीं मैच्योर हो पाए, फॉलिकल नहीं मैच्योर हो पाए, जिसकी वजह से ओवम नहीं रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन नहीं हो पाया, तो वहाँ पे क्या हुआ, एनओव्यूलेशन हो गया। ठीक, एनओव्यूलेशन होने की वजह से फीमेल्स में क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से उनकी कंप्लेंट क्या आएगी, इनफर्टिलिटी। ठीक, तो यहाँ तक क्या था बेसिकली हमारा हॉर्मोन्स के बारे में। इसके बाद जो हमारा ईस्ट्रोजन ये होता है, ठीक है, जो ईस्ट्रोजन बना एंड्रोजन से, जो टू मच अमाउंट में ईस्ट्रोजन है, ये एक और काम करता है, सम ईस्ट्रोजन कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, LH रिलीज को। अब PCOS फीमेल में पहले से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में LH है, उसके बाद ये ईस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद LH को ही, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसी को स्टिमुलेट करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है, जिससे क्या हो, LH और ज़्यादा रिलीज हो। ठीक, सम ईस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक या स्टिमुलेट करता है LH को, ताकि LH और ज़्यादा रिलीज हो। तो PCOS फीमेल में पहले से ही ईस्ट्रोजन बहुत LH बहुत ज़्यादा है, अब LH के बाद जब ईस्ट्रोजन बना तो वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना, तो उसका कुछ पार्ट क्या करता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसी को स्टिमुलेट करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, LH और ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, इन PCOS फीमेल्स में। ठीक, इसके बाद हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक, अब PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंक्रीज अमाउंट में ईस्ट्रोजन, वो इंसुलिन प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी टू मच इंक्रीज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन मौजूद है। तो इंसुलिन हमारा जब इंक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट है ब्लड में, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा किसको, थीका सेल्स को। ठीक, तो थीका सेल्स को अगर स्टिमुलेट करता है, तो थीका सेल बेसिकली क्या बनाती हैं, एंड्रोजन बनाती हैं। ठीक, तो क्या करेगा, अगेन ये क्या करेंगी, अगेन मेकिंग एंड्रोजन, थीका सेल से क्या हो जाएगा, एंड्रोजन बनेगा, एंड्रोजन क्या करेंगी, ईस्ट्रोजन को बनाएंगी। ठीक, तो बेसिकली जो हमारा इंसुलिन, ठीक है, जो इंक्रीज अमाउंट में है, प्लस एंड्रोजन जो इंक्रीज अमाउंट में है, वो भी बहुत ज़्यादा टू मच हाई लेवल पे होता है इन PCOS फीमेल्स में, इसी वजह से जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनल एबनॉर्मलिटी। ठीक, तो इंसुलिन और ये जो एंड्रोजन है हमारा, ये एक्ट करता है किस पे, लिवर पे। ठीक, इसने एक्ट किया लिवर पे, और लिवर पे एक्ट करने के बाद ये क्या कर देता है, एंड सप्रेस्ड कर देता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ठीक, तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, उनके प्रोडक्शन को क्या कर देता है ये, इंसुलिन और एंड्रोजन सप्रेस्ड कर देता है। तो जो हमारा SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती हैं, ये क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है, इनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, बहुत डिक्रीज हो जाता है। इनके डिक्रीज होने से क्या होता है, सो जो हमारा ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन प्लस एंड्रोजन है, दे आर इन फ्री फॉर्म। ठीक, तो अब ये क्या हो गए, जब इनको बाइंडिंग वाला ग्लोबुलिन नहीं रही, ठीक है, उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, सप्रेस्ड हो गया। सप्रेस्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल भी वो रिलीज नहीं हो रहा है, उसका अमाउंट क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, जो ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन है, इनको बाइंडिंग ग्लोबुलिन नहीं है, अब इनको कोई बाइंड नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इन अ फ्री फॉर्म, ये फ्री फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, ये बायोलॉजिकल एक्टिव होंगे, तो ये क्या करेंगे, गिव मोर क्लिनिकल कंडीशन। इसकी वजह से क्या होगा, ये
और ज़्यादा क्लिनिकल कंडीशंस को देंगे, किसमें, इन PCOS फीमेल्स में। ठीक, तो ये था बेसिकली हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक, अब इसके बाद हम समझेंगे एक और कंडीशन कि जो PCOS फीमेल्स होती हैं उनमें इंक्रीज अमाउंट में क्या है, ईस्ट्रोजन है, वो भी बहुत इंक्रीज अमाउंट में, टू मच हाई लेवल में क्या है, ईस्ट्रोजन है। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो हमारा ईस्ट्रोजन है इंक्रीज अमाउंट में, ये हमारा बेसिकली इंक्रीज का साइन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में है तो ये पॉजिटिव सिग्नल देता है किसको, इंक्रीज, वो भी टू मच इंक्रीज प्रोलीफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम होती है उसके प्रोलीफरेशन को क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अब बहुत ज़्यादा प्रोलीफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो कि बैड इफेक्ट डालता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट में बहुत ज़्यादा प्रोलीफरेशन ऑफ यूटराइन एंडोमेट्रियम हो जाने से क्या डेवलप होती है, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक, ईस्ट्रोजन बहुत इंक्रीज अमाउंट में है, ये सिग्नल देता है यूटराइन एंडोमेट्रियम को किसके लिए, कि टू मच उसका प्रोलीफरेशन हो, बहुत ज़्यादा उसका प्रोलीफरेशन हो। और बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियल प्रोलीफरेशन क्या होता है, सही नहीं, नुकसानदायक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्या करती है, लीड टू एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक, तो एक MCQs क्वेश्चन आता है कि जो PCOS फीमेल होती हैं, ठीक है, उनमें कौन सा कैंसर होता है जिसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमारा कौन सा होता है, वो एंडोमेट्रियल कैंसर। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट्रोजन के बड़े होने की वजह से वो यूटराइन एंडोमेट्रियम को बहुत ज़्यादा प्रोलीफरेशन करा देता है, बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाती है। ये क्या करती है, लीड टू करती है ये एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी एनओव्यूलेटरी साइकिल है। ठीक, तो जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ, एनओव्यूलेटरी साइकिल है, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ओबम नहीं रिलीज हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, नो कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन है वही हमारा क्या होगा, डोमिनेंट स्टेज में होगा। ठीक, तो जब ईस्ट्रोजन हमारा डोमिनेंट स्टेज में होगा तो ये क्या करेगा, टू मच प्रोलीफरेशन करा देगा यूटराइन एंडोमेट्रियम का, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कॉज होगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज इन PCOS फीमेल। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ PCOS का। ठीक है, तो PCOS का ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले पेशेंट को, जो भी PCOS के होते हैं, उनको सजेस्ट करना चाहिए वेट लॉस के लिए, कि उनका बेसिकली जो PCOS के पेशेंट होते हैं वो ओबेसिटी के साथ ही आते हैं। ठीक है, फीमेल्स में अगर PCOS है तो उसमें हमें ओबेसिटी देखने के लिए ही मिलेगी, तो सबसे पहले हमें पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए वेट लॉस के लिए। अब वेट लॉस होने से दो उनको फ़ायदे होते हैं, विच इज़ फर्स्ट है हमारा कि डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका कम होना होता है बेसिकली वेट लॉस से। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, सेकंड क्या है, डिक्रीज एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू है बेसिकली जो फैट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं वेट लॉस होने से। अब जब एडिपोज टिश्यूज डिक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन क्या होगा, कम अमाउंट में रिलीज होगा। ठीक है, सो अगेन क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने लगेगा। ठीक, तो इससे दो फायदे होते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड देते हैं मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं। मेटफॉर्मिन क्या है, एंटी डायबिटिक है बेसिकली, तो ट्रीटमेंट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट होते हैं उनमें इसको यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या होती है, हम इन द फॉर्म ऑफ OCPs देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में देते हैं,
किसको, जो PCOS की पेशेंट होती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, गिव नेगेटिव फीडबैक, ठीक। जो प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग पिल्स हैं तो वो क्या करती हैं, नेगेटिव फीडबैक देती हैं, जिससे क्या होता है LH कम रिलीज़ होता है। जब LH कम रिलीज़ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एंड्रोजन भी कम रिलीज़ होगा, ठीक है। तो जब एंड्रोजन कम रिलीज़ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ईस्ट्रोजन भी कम फॉर्म होगा, ठीक। तो इसकी वजह से जब ईस्ट्रोजन कम फॉर्म होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक। तो इससे क्या होता है, फ्रॉम OCPs की फॉर्म में हम क्या देते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, तो ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी में हमें देने चाहिए ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग। तो हमें ऐसे ड्रग्स यूज़ करने चाहिए जो कि ओव्यूलेशन करा सके। तो ये बेसिकली डॉक्टर के हमेशा सजेशन पे ही यूज़ करने चाहिए, ठीक। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ हिरसिटिज़म, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट करते हैं विद OCPs। हिरसिटिज़म बेसिकली क्या है कि मेल लाइक हेयर ग्रोथ हो जाती है इन फीमेल्स में, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ होती है, जैसे बियर्ड है, मुस्टैच है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, उसके टाइनी हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। तो वो किस में आते हैं हमारे, बेसिकली PCOS फीमेल पेशेंट में। तो ये था हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये था हमारा PCOS के बारे में कि ये क्या होता है एंड इसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं ऑफ हार्मोन की, एंड क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, एंड क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, प्लस आप अपने जो भी मेडिकल स्टूडेंट उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप लोग के लिए काफ़ी ये यूज़फुल नोट्स होंगे आपके UG या PG एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।